और उसके संबंध में काफी मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो इसमें रानीपुर पुलिस और एसओजी के द्वारा काम करते हुए काफी अच्छी रिकवरी की गई है और इसमें तीन अक्यूज को पकड़ा गया है। एक इकराम है जो मेन अक्यूज है और जो बाइक चुराता था अपने सहयोगियों दीपक और मीनू के साथ, और उन्हें ले जाकर वो मंगलौर में एक स्पेयर पार्ट शॉप में बेचता था जहां पर वो स्पेयर पार्ट्स के तौर पर काटी जाती थी और बेचे जाते थे। तो ये सारी रिकवरी की गई है और उसमें तीन अक्यूज इकराम, वासिल और महराज को पकड़ा गया। इसमें टोटल 12 मामलों का खुलासा किया गया है जिसमें 10 रानीपुर के हैं और 2 गंगनगर के। अभी जो बाइक्स हमें मिली है वो 2 बाइक्स मिली हैं और बाकी स्पेयर पार्ट्स हैं और पार्ट्स हैं जो बाइक के, लेकिन वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं और वादी जो संबंधित वादी थे उनको बुला के पूछा गया, उनको दिखाया गया है तो वो पहचान भी रहे हैं। तो इस तरह से कुल 12 मामलों का खुलासा हुआ कि अभी इसमें 2 लोग और हैं जो शेष हैं, दीपक और मीनू, उनकी गिरफ्तारी शेष है। इसको आगे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाला गया है तो जैसे ही होता है आपको सूचित किया जाएगा। कहा जा रहा है इसमें से महराज का एक चोरी के मामले में वो जेल गया, इसी तरह से बाइक चोरी में वो जेल गया, ये पता चल रहा है। बाकी का दिखाया जा रहा है कल अभी 12 तस्दीक में।